तुम्हारा ये हो रहा था। अरे वाह, ले कपड़े प्रेस करा के। आज तुमने पहली बार अच्छा काम किया, मेरे कपड़े प्रेस करा के ले आई हूँ। बैठो, तुम तो माशाल्लाह बड़ा तगड़ा आउटलुक तुमने, ये अपना तुम्हारा बड़ा तगड़ा लुक है यार। लेट हो रहा है। चल रहा, अच्छी लग रही है। लेकिन अम्मा शायद वजू कर रही है। रेहान चल रहा। चलो भाई, अब हो गए सब लोग रेडी, हम निकलते हैं फटाफट। तुम भी रेडी, ये भी रेडी, हम जा रहा हूँ फिर आ रहा हूँ। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह चल मम्मी है, अल्लाह भाई। चप्पल मेरी गाड़ी में है, चप्पल सोच चलो फटाफट। तुम वाइट तुम सोच के आई थी कि तुम्हारा वाइट समोसे मैच करोगी। अच्छी लग रही है लेकिन ये तुम्हारी जो जैकेट अच्छी लग रही है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबा के जामे, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं के लिए अलहमदुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। आज मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड का बर्थडे है, फिज़ा का बर्थडे है, आप सब उसे जानते होंगे, उसको तारुफ की ज़रूरत नहीं है। और वो मेरे दोस्त से ज़्यादा मेरी इंस्पिरेशन है, मतलब बहुत बहुत बिंदास लड़की है, ऐसी हिम्मत वाली लड़कियाँ होना चाहिए। तो बस हम वहीं जा रहे थे, नाजा खैर आज चली गई, सैड लग रहा था, फिर हम जल्दी जल्दी रेडी हुए और मुझे लग रहा है कि सबा की पहली दोस्त उसके बर्थडे में हम लोग जा रहे हैं, मतलब मुंबई। हाँ, बर्थडे में हम ऐसे पहली बार जा रहे हैं, पहली पार्टी में हम लोग जा रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे। चलो भाई चले। तो कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे आके बताओ? अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हम इसलिए व्लॉग नहीं बना रहे, पता नहीं कौन सी किसकी प्राइवेसी कुछ खराब हो जाए। तो पिता से हमने मिल लिया है, आपको भी मिलाते हैं थोड़ी देर। बैठने में चल रहा है, लेकिन अरे ये मुझे बहुत पसंद है। हम लोग पहली बार एक नॉर्मल एक शॉप ओपनिंग थी एंड हमेशा सभा को देखा है, और जब भी मैं शुरुआत में कहीं भी जाती थी तो सभा का सब नाम सुना है, और इनके भाई के साथ मैं एक ही सेट हमने शेयर किया जो मैंने एसोस फेस किया, मैं कभी मिली नहीं हूँ। उसके बाद जो सभा को मिली ऐसा लगा ही नहीं कि उस टाइम पे शी वॉज लाइक यू नो लाइक मिलियंस, नो एटीट्यूड, नो एरोगेंस। दैट्स व्हाई यू नो मैं हमेशा से इनसे क्लोज रही हूँ, हमने बातें की है, कभी किसी के थ्रू नाम आ गया वो यहाँ आई नो सभा, और ऐसे हमने मिल के आज फाइनली इज अ न्यू फ्रेंडशिप। क्यों नहीं जानते, मैं सभा को जानती हूँ, और खालिद भाई आए, बहुत बहुत खुश हुई कि शादी के बाद ये लोग फाइनली अब मैं इन लोगों को एक्चुअली मिली। हैप्पी बर्थडे फिजा को एक बार फिर से, हैप्पी बर्थडे। जा रहे यार भाई, आपकी शादी के पहले जब सभा आई थी तो हमने स्पेशली खबर आने की खुशी में हमने केक कट किया था, ब्राइड टू बी वाला, शादी से पहले। सबके जाने का टाइम आ रहा है, सबसे गले मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से निकलने लगे। बेचारा रेहान जब से बैठा हुआ है कार में। प्रदीप, आपको कैसा लगा? आपको फर्स्ट था ऐसे बिल्कुल, हाँ, मतलब सोशलाइज करना अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, और सुफियान की कंपनी मिल गई तो फिर हाँ। और अच्छा लगने लगा, ये हुआ। मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि लोग इतना मुझसे ही मोहब्बत करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रेहान अच्छा था, काफी अच्छा। वो लोग कह रहे थे कि मतलब रेहान को बुला लो बुला लो। आज हमने दिन भर व्लॉग नहीं बनाया, कल पार्टी से आने के बाद इतना हम अपने कामों में बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए कि हमने दिन भर फोन ही नहीं उठाया। अभी थोड़ा सा फ्री हुआ, खाना वाना खा के बाहर निकला, सोचा आप लोग से व्लॉग बना लूं, आप लोग से बातें कर लूं। अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। बाल भी कट गए मेरे, देख रहे हैं आप लोग बाल सही लग रहे, नहीं लग रहे सही बाल, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? ये इतना मजबूत है, हम तो ये फूटत नहीं है, नीचे वाले तो मार ना जाएगी, काम करती है तो इनके नीचे वाले को बहुत दहशत है। यहाँ चल रहा है काम, एसी से गिर रहा है पानी, पापा कर रहे हैं ऐसे निकली वाले कुछ। अरे भाई
आई। आज मेरा पार्टनर तो नहीं है जिम, तो आज मैं अकेले आया हूँ जिम। मिस यू पार्टनर। तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। और अभी हो रहा है टाइम 11:30, और आज जाना है मम्मी पापा को मौदहा, जाना हमको भी था साथ में दिल्ली तक। हमारे दिल्ली में एक एग्जीबिशन था, सभा का एक एग्जीबिशन था, वहाँ जाना था, बट किसी वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी फटाफट भी कराते हैं तैयारी। मौदहा जा रही है मैडम, यहाँ और देख रहे हैं फ्रेंड मम्मी लोग की पैकिंग तो हो गई, साथ साथ में अभी अपनी पैकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि कितने दिन में यहाँ पे था तो मेरा सारा सामान यहाँ पे आ गया था। तो फटाफट पैक करते हैं। चलो बैठो, सब लोग बैठो। मिलते हैं जल्दी। अभी लेकिन इस बार टाइम नहीं मिल पाया कुछ। भाई नाश्ता चलते यहाँ चल रही खातिरदारी सबकी। जल्दी चलो अल्लाह हाफिज़। चलो साथ जा रहे हैं मौदहा, ठीक है? बाय रख जल्दी। फ्रेंड हम लोग घर से निकल गए थे और रुखसाना बाजी की दवाई भूल गए थे, तो अभी लेते हैं मेडिकल से रुखसाना बाजी की दवाई, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा रहता है। दवाई लेके फिर निकलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पापा स्टाफ से मेरे बात करते हुए। फ्रेंड अभी हम लोग आ गए हैं क्रॉफर्ड मार्केट, और यहाँ से मम्मी लोगों को दिलाते हैं ताकि उन लोग आराम से सफर में अपना खाते भी चली जाए। यहाँ मम्मी आता करो। खट्टा वाला नहीं खाना पाएंगे। फ्रेंड अभी हमने सारा सामान चलवा दिया है, चलते हैं गाड़ी के पास, बहुत ट्रैफिक है यार। फ्रेंड हम लोग पहुंच गए हैं अभी CST स्टेशन, और ट्रेन भी सामने लग गई है। आप नहीं रो रहे हो? हम तो आना जाना करते ना, मम्मी बेकार का रो थी। तो आप फिर आवेगा है, हम यहाँ से उस साल लाओ खेत कर ले, 5 साल से उठा दे, अगले साल से यहीं रहा है, लेकिन ठीक है खुशी खुशी जा। फिर अभी हमें कहा तो मैं एक महीना बाद अभी फिर डॉक्टर ने बुलाओ, मैं तो अभी आ रहा हूँ। चला जाए, मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है? तो है ठीक है, फिर खुशी खुशी जाए। मम्मी पापा को रुखसाना बाजी को सारे लोग चले गए, और लास्ट क्लास में मम्मी थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यार माँ है यार, माँ को तो मतलब बच्चों से दूर जाना बुरा लगता है, लेकिन मम्मी को भी था कि जाना है अभी, फिर से मम्मी लोगों को आना है इंशाल्लाह, वो 10-15-20 दिन के बाद फिर से आ जाएंगे, बट थोड़ा सा हो जाता है और मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आने जाने वाली अभी तो क्या है ना, हम लोगों का बिल्कुल आदत सी हो गई है, जब मैं सऊदी पहले जब जाया करता था तो मैं भी रो के जाता था, तो मेरा और मम्मी को ऐसा ही है कि मम्मी भी मेरी बहुत इमोशनल है और मैं भी बहुत इमोशनल है, मैं किसी को भी देख के अगर तकलीफ में देखूंगा तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, मुझे लगे कि इसके लिए यार क्या कर दूं, तो हम दोनों को सेम नेचर है। मम्मी को भी पहले मम्मी को मुंबई जाने में बहुत डर लगता था, लेकिन अभी जब यहाँ मम्मी आती है, मम्मी को अपनापन मिलता है, मम्मी को बहुत सारा प्यार मिलता है, तो फिर अभी मम्मी की भी हिम्मत पड़ जाती है कि हाँ चलो भाई मुंबई में रहना है, और उन्होंने प्लान किया भी है कि इंशाल्लाह अगले साल से शिफ्ट होने के लिए। सभी चलते हैं घर और फटाफट कुछ खाते पीते हैं पहले। फिर अभी हम लोग जैसे घर के लिए निकल ही रहे थे तो अचानक से मुझे याद आया और रेस्टोरेंट से फोन आ गया कि भाई वहाँ से कुछ रेस्टोरेंट के लिए सामान लेके आना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोहम्मदी रोड के अंदर जहाँ पे मिलता है रेस्टोरेंट का सामान, तो अभी वहाँ पे जाकर देखते हैं कि क्या क्या सामान हमको लेना है, क्या क्या चाहिए वो लेते हैं फटाफट। और सभा ने भी बोल दिया कि भाई कुछ कुछ सामान लेके आना है, मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई नहीं है तो वो सामान। हाँ भाई ठीक है तुम लगवा दो भाई।
तो हमने खड़ी कर दी अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में और हम लोग चलते हैं पैदल पैदल। इसके सामने यहाँ हमें मिल गई पार्किंग। आज मेरा अच्छा खासा कार्डियो यहीं पे हो जाएगा, बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगा और वहाँ दूर तक जाना है पैदल चल के। यहाँ पे इतनी भीड़ है जैसे फ्री में सामान मिल रहा हो सारा। तो फ्रेंड अभी हम लोग आ गए हैं शॉप पे और यहाँ से लेते हैं फटाफट सामान, जो सारा सामान यहाँ पे लगा हुआ है भाई। तो फ्रेंड अभी सभा के लिए कुछ कुछ हमको सामान लेना है, उसने फोन करके बोला है तो वो ले लेते हैं पहले, फिर चलते हैं गाड़ी की तरफ। बहुत भीड़ है भाई, थक गया आज तो मैं पूरा दिन भाई। साइड। फ्रेंड अभी सब कुछ ये ले लिया है, चलते हैं फटाफट घर भाई, बहुत थक गया हूँ मैं आज। फ्रेंड अभी लगी भूख, फटाफट खाते हैं यहाँ पे खाना। ये आ गया मेरा खाना अभी। फ्रेंड बड़ी मुश्किल में गाड़ी के पास बहुत पाया हूँ, थक गया बहुत ज़्यादा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर और चलते हैं फटाफट ऊपर, क्योंकि सुबह से मिला भी नहीं, वो भी वेट कर रही है। ओ भाई क्या कर रही हो? वालेकुम सलाम। हाँ ये लो, ग्रीन वाला चिकन बना रही। अच्छा देखो, फर्स्ट टाइम बना रही हो तो कैसा है? हाँ सब सामान आ गया। खोलो मेरे हाथ जाने। क्या किया दिन भर आज? आज आराम। मिस नहीं किया? नहीं आपसे बात तो हो रही थी। थक अच्छा, गया लेकिन पूरे दिन। हाँ बैठा दिया, उन लोग चले भी गए और सारा सामान भी ले लिया, दुकान का भी सारा सामान ले लिया। कहाँ सामान दुकान का? वो सब गाड़ी में रखवा के पहुँचवा दिया दुकान। हमें नहीं दिखाया तो मैं अब दिखाऊंगा घर में। लैब ऊपर लेके आता क्या? मैं फर्स्ट टाइम ग्रीन वाला चिकन बना रही हूँ, पता नहीं कैसा। अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। ट्राई कर रहा था फ्रेंड्स। ये देखिए बन चुका है मेरा ग्रीन चिकन, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम बनाया है। सभी चले गए रेस्टोरेंट तो वो तो रात में आके खाएंगे। अम्मी भी ऊपर गई है, चिकन बन चुका है, मैं पहले ही खा लेती हूँ कि मुझे लग रही है भूख। और मैं खुद ही अपने आप को रिव्यू दे दूंगी कैसा बना, क्योंकि जो इंसान बनाता है उसे ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कैसा है। तो हम टेस्ट करते हैं, बस थोड़ी सी प्याज कम भुनी। अच्छा सही है फ्रेंड्स, काम चलाओ ठीक है। प्याज का मीठा मीठा थोड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें मसाले बहुत कम थे, लेकिन ठीक है अभी खा लेते हैं, फिर देखेंगे अम्मी और सनी को कैसा लगा। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने तो खा लिया था, सनी का भी कॉल आया तो वो बोलते हैं बना कि नहीं बना, मैं आता हूँ। हमने खा लिया, वो भी शॉक्ड हो गए। फिर अम्मी ऊपर से आई, हमने कहा अम्मी हमने खा लिया, अम्मी भी शॉक्ड हो गई। करी है, हमने कहा हाँ अम्मी इसमें क्या होता है, जब भूख लगे तो खा लेना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं? हाँ आप खाना देने चले गए। हाँ तो दुर्वान के पास बैठ गए, हम सब तुमने खाए नहीं है, यहाँ देगा तुम खाए बैठे। कैसा बना ये बता? अच्छा बना है ना, बदल के कुछ चेंज हो गया, कुछ कमी? नहीं कमी। नींबू डालो तब अच्छा लग रहा है अम्मी, खट्टापन डाला है तुमने? हाँ नहीं हमने इसमें भी डाला है, इसमें भी डाला है फ्रेंड्स वाले नींबू, और थोड़ा सा प्लेट में भी ऊपर से खाते वक्त डालो। नहीं अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा, मसाला का रोज खाते हैं। और अम्मी क्या, मूंग की दाल चावल? मूंग की दाल चावल। चलो टेस्ट है तो ये पढ़ाई कर रही है। चलो पढ़ लो, टैब में पढ़ी रही हो ना? पढ़ रही तो विशाल ग्रीन चिकन। सनी आया रेस्टोरेंट के बीच में से मेरा स्पेशल ग्रीन चिकन खाने के लिए। जैसे कटहल बनता है ना मसाला मसाला वाला, कटहल? हाँ वैसे ही दिख रहा है। कटहल की तरह लग रहा है, थोड़ा सा कड़क हो गया क्या? एकदम जेन्युइन रिव्यू देना, खाते वक्त झूठ नहीं बोलते। सब्जी का फ्लेवर लग रहा है, सब्जी का तो वही तो हुआ ना ग्रीन चिकन। हाँ, तो वही तो हाँ, हुआ। अब उसमें जब पुदीना वो सब है तो वही। अच्छा, है तो डिफरेंट है थोड़ा सा, सिंपल खाना था ना, सिंपल ही बना है इसलिए। हाँ, ये देखो बैठे बैठे सो रही है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आपसे मैं मिल रही हूँ इतने दिनों बाद, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा। और मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम बाद हमने इतना लंबा ब्रेक लिया है तो आपका मैसेज करना तो बनता है, और हमें अच्छा लगा कि आप लोग हमें मिस कर रहे थे। तो फ्रेंड आपकी सभा आपके सामने आ गई है वापस, तो वेलकम बैक टू सभा का जहां। लेकिन मुझे इतने ही दिन का ब्रेक था फ्रेंड, इससे बहुत लंबा ब्रेक नहीं लिया था। लेकिन कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा नहीं कोई चीज़ का मन करता, वैसा वाला था कि बस आराम करने का मन कर रहा था और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा था। ब्लॉग हमारा मुझे लगता है एक हफ्ते में कंप्लीट हुआ है, इसलिए मेरा डालने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि थोड़ा क्लिप लिया फिर नहीं लिया फिर लिया फिर लिया, और ना जाकर लगे जाने के जो क्लिप लिए वो मैंने गलती से डिलीट भी कर दी है, तो मेरा
मेरा ये वीक पूरा माइंड ना ब्लैंक था कि थोड़ा सा रेस्ट करना है, समझ नहीं आ रहा था क्या करो। फिर सोचा कि ये पूरा व्लॉग हटा देते हैं क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर सनी ने सोचा कि सबा का दिल जो है ना वो वहीं रखा रहता है कि मेरा व्लॉग कम्प्लीट नहीं हुआ, लोग वेट कर रहे हैं। तो सनी ने इस पूरे व्लॉग को कम्प्लीट करने के लिए काफी मेरी हेल्प की। आपने देखा होगा इस पूरे व्लॉग में सनी ने ही सब कुछ किया, अम्मा पापा को छोड़ने गए, वहां पे सब शूट किया। मतलब सोचा कि इसका जितना बना दूं, तो थैंक यू सो मच। और प्लीज अगर जैसा ही बना हो तो जज मत करना जैसे मुझसे बनाया, क्योंकि व्लॉग में छोड़ के काफी टाइम हो गया मुझे। हाँ, पूरा जैसे सनी पूरा नहीं करते थे, अभी बहुत टाइम से रेस्टोरेंट में बिजी है। तो ये कभी कभी ना फ्रेंड्स, मतलब चीजों में लाइफ में ना थोड़ा स्लो होना भी जरूरी है। चीज मैं नहीं समझ रही थी काफी टाइम से, और मेरा ये हो रहा था कि नहीं व्लॉग नहीं डाला। देखो व्लॉग भी हमारी कमिटमेंट है आप सब। हाँ तो कोई आ गया था फ्रेंड्स। तो मैं ये कह रही थी कि लाइफ में कभी कभी थोड़ा सा स्लो होना भी जरूरी है। बहुत टाइम से मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं कंप्लीट नहीं हुआ व्लॉग, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो मेरे दिमाग में हावी हो गया था। तो वो हावी होने से मैंने खुद को काफी टाइम से ब्रेक नहीं दिया। मतलब भले ही हम एक दिन बाद व्लॉग डालते, लेकिन माइंड में वही होता रहता है कि अच्छा अभी ये नहीं हो पाया, अच्छा अभी एडिटिंग, मतलब बहुत सारी चीजें मन में चलती रहती है। कहीं ना कहीं बिजी भी हो गए क्योंकि मम्मी पापा भी आ गए, प्लस रेस्टोरेंट के बहुत सारे काम थे, प्लस नाजा खाला भी आ गई। तो सब अगर अच्छा खासा माहौल मिल गया, माहौल भी मिल गया, प्लस जिम्मेदारी भी बढ़ गई। तो हम लोग बिजी भी हो गए दोनों लोग, इसलिए व्लॉगिंग भी ज्यादा नहीं हुई है, और जो था तो बस बना के आपके सामने पेश कर दिया है, कंप्लीट करके अब इंशाल्लाह जो आगे। प्लीज जज मत करना यार, जैसे बना मैंने वैसे बना दिया ना। नहीं, आपने हेल्प की, पता है बात, आपने ब्लॉग में कैसा बनाया उससे मायने नहीं रखता। आपने अपनी वाइफ की हेल्प की, सपोर्ट किया, जहाँ मतलब आप बाहर भीड़ में इतना नहीं भी बना पाते, वहां भी जाके आपने कोशिश की, तो उसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, हम दोनों, क्योंकि आप सनी रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा बिजी हो गए, उनका इतना टेंशन होता है। देखो अच्छा भी होता है रेस्टोरेंट, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, चीजें कंटिन्यू आपको घर आते हुए भी ना पीछा नहीं छोड़ती है। एक के बाद एक फोन, एक के बाद इसकी छुट्टी, उसको जाना है, उसको आना है, इसका ये करना है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सपोर्ट से फ्रेंड्स, आप सब जो भी हम मुंबई में रहते हैं, हमारे रेस्टोरेंट आते हैं, खाना खाते हैं, हमें तारीफ करके जाते हैं, आपका दिल से थैंक यू। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा आते रहिए। और अभी हम ना उसमें नया मेनू ऐड कर रहे हैं, अच्छा इंशाल्लाह एक दो दिन में अगले व्लॉग में, उसके अगले व्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। तो नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं, डिशेज कर रहे हैं, कुछ कुछ हम अपने प्लेटर्स भी ऐड कर रहे हैं। तो और कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी सेटिंग भी बढ़ाने की। तो अब आपको पता है आसपास शॉप्स नहीं है, तो पीछे इत्तेफाक से हमारी बात चली है कि हो सकता है तो हम दस्तरखान जो बैठने वाला होता है लोग काफी प्रेफर करते हैं, उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। देखिए सब अल्लाह की मर्जी होती है, बस अपने तरफ से अभी जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस हम रख ले बचा ले, जितना हम अच्छा करेंगे। बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आप 2-4-6 महीने 1 साल प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। और बस हमारा देखे, अभी सबा ने जो बात बोली कि सनी बहुत बिजी रहते हैं, ये काम वो काम, तो इंसान की असल जिंदगी यही है शादी के बाद। देखो जब आप बचपन में होते हो, पढ़ाई करते हो, माँ बाप के टाइम में तो आप ऐश कर लेते हो, जब आपकी शादी होती है, आप किसी बिजनेस में जाते हो, जॉब में जाते हो, तब आपकी जिंदगी असल स्टार्ट होती है। और मेहनत सबको करना चाहिए भाई, जो मेहनत करके कमा खाने मजा है ना, वो उसका मजा ही अलग है। क्यों सही है ना, अल्लाह बस सबको कामयाबी दे। आप में से जिसने भी अपना कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करने को सोचा है, तो अल्लाह उसमें आपको और बरकत दे। और जो भी आपके मन में आ रहा है ना फ्रेंड्स, वो स्टार्ट कर दो, भले छोटे लेवल से स्टार्ट कर दो, लेकिन स्टार्ट कर दो, वो एक अलग सुकून आता है। सोच में रह जाओ, इससे पूछो, उससे पूछो, तो फिर वो चीजें। अभी हम लोग कहाँ की बात कहाँ ले गए। तो कुल मिला के भाई ये था हमारा व्लॉग। तो आपकी प्यारी सभा वापस आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतने लोग मिस कर रहे हैं, व्लॉग नहीं आया। तो बस इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहे, मिलते हैं। और आपसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग जितना भी है करती रहूं, जैसे भी हो रहा है। लेकिन हाँ, लाइफ में फिर से कहूंगी थोड़ा सा स्लो होना, ब्रेक कभी कभी जरूरी होता है। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, थोड़ा सा खुद के लिए मेंटल पीस के लिए कभी कभी घूमने फिरने जाओ यार, पहाड़ों में जाओ, मनाली जाओ, हम तो जा ही रहे हैं। अभी अभी अपना नया नया काम है ना, चलो हम भी जाएंगे। तो बस यही है कि लाइफ खुश रहो, अपने फैमिली के साथ खुशी से गुजारो, क्योंकि लाइफ जो भी है बस फैमिली ही है आपकी, जो भी है खुशी है। तो बस तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, और कुछ तो नहीं बोलना था, नहीं बस अल्लाह हाफिज। बंदर ने सब तोड़ दिया नल वाला पैप भी पूरा, हमने सब चेक किया ना कैमरा में, तो बंदर ने नल वाला पैप भी तोड़ा है, वो कैमरा ही बंदर ने ही तोड़ा है। आप उसको सुभाष को, बंदर ने कैमरा तोड़ दिया घर का यार। आपने वीडियो में देखा था बंदर क्या कर रहा था, वहां से आया ऊपर से कूद गया कैमरा के ऊपर, मैंने पूरा उसकी क्लिप देखी ना उसकी, कूद गया वहाँ पे।
और आज ऊपर की पानी की टंकी की पूरे पाइप सब तोड़ ताड़ दी है। क्यों ऐसा कर रहा है बंदर? तेरे तो है क्यों दोस्त है सब। हाँ जब तुम उदाम होती तो जी को देखने आते हैं उन लोग। आप बाल कब काटोगे दाढ़ी का? एक सफेद बाल आप बिल्कुल शान से दिखाते घूम रहे हो। हमारे अब्बा की दाढ़ी सफेद हो गई, अब मेरी भी धीमी सफेद हो रही है। तो ये एक बाल क्यों? एक बाल रह गई है, इसे काट लो बस। नहीं काटेंगे। हाँ जैसे होता है ना कि गोरे आदमी को काला टीका लगा जाए तो काले को गोरा टीका लग गया, क्या दिक्कत है?